Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. क्या हाल है? सॉरी, गुड आफ्टरनून. दिन में मिल रहा है हम लोग. गुड आफ्टरनून. कैसे हो? Very good afternoon to all of you. Kya chal raha hai? All fine. I'm fine here, thank you. Aaj sir lazy day lag raha hai. Bahut kaam kiye week mein. Morning se lazy feel ho raha hai aaj. हाँ, ज्योमेट्री क्लास होगी रात में यार. ठीक है, ज्योमेट्री करना है क्योंकि कल पर ज्योमेट्री नहीं है. मैंने ऐड करने के लिए कर दिया, कर देंगे लोरा ऐड. कल ट्रैवल भी करना है ना थोड़ा, तो थोड़ा ऐसे भी आज उतना काम करने का मन नहीं कर रहा. ओके, चलो. तो हम लोग का कल लास्ट का सेट था हमारा. ठीक है. क्या सेट था? एक सेट करने को दिया था ना यार. नहीं, LRDI स्पेशल क्लास में दिया था वो. हाँ, वही वही याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ. एक मिनट. एक बार देखता हूँ, दिख नहीं रहा है. हाँ, मिल गया. ये गुड आफ्टरनून यार. गुड आफ्टरनून. ओके, अब इसे देखते हैं यार. तो ट्राई वगैरह कर लियो ना, डिस्कस करो ना एटलीस्ट को. ठीक है, फिर एक बार फिर करना है इसके बाद. कुछ नहीं हुआ इसमें, तो इसमें कुछ नहीं होगा यूसुफ. तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, सेट ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तुम्हारा दिमाग को चलाना पड़ेगा, अपने दिमाग को. ठीक है, तो जाएगा सेट. सेट अपने आप बातें करेगा. सेट बोलेगा मेरे को यहां से अटैक करो, मेरे को यहां से अटैक करो. ऐसे नहीं होता. ठीक है, तुमको खुद से अटैक करना पड़ेगा. पॉइंट सोचना पड़ेगा तुम्हें. ठीक
ठीक है. देखो तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग दिस मैथ सेशन रवि वाज डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ टू मल्टीप्लाई लार्ज नंबर्स क्विकली. ठीक है, ही आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई अ टू डिजिट नेचुरल नंबर पी क्यू एंड अ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर ए बी सी. ठीक है, नमन सोच सर मैं भी मैरिनेट हो गया हूँ सर, ऐसे कैसे, मुझे मत छोड़ो मैं ही मैरिनेट हुआ पड़ा हूँ. तो तुम्हारे तो यहाँ पे क्या है, ही आस्क्ड स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नेचुरल नंबर पी क्यू एंड अ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर ए बी सी मल्टीप्लाई करना. ठीक है, गुड आफ्टरनून यार, वन ऑफ द स्टूडेंट्स यश क्विकली रिस्पॉन्डेड टू विद हिज आंसर बाय जस्ट रिप्लेसिंग द टू डिजिट नंबर बिफोर द थ्री डिजिट नंबर. He pointed out that DS answer was wrong, but interestingly, his answer was 9 times the correct answer. ठीक है, देखो तो अब ना गुड आफ्टरनून गाइस. देखो तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है. गुड आफ्टरनून यार सबको, गुड आफ्टरनून. चलो ज्वाइन नहीं कर रहे, रुको दो मिनट वेट कर लेंगे, लेट्स लेट देम ज्वाइन, विल स्टार्ट इन वन मिनट. सबको सेट समझ में आ गया है ना. तो बेसिकली तुम्हारा ये पी क्यू दिया हुआ है और तुम्हारा ये दो नंबर है पी क्यू और ए बी सी है, राइट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्विकली. ओके, ये तुम्हारा बेसिकली सेट का मीनिंग है यहाँ पे. तो आप सोचोगे कि ऐसे मेरा मान लो यहाँ पे नंबर ए बी सी है, एकदम मेरी पे बेस्ट रहेगा. देखो तो यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर ए बी सी है और एक नंबर यहाँ पे पी क्यू है. ठीक है, राइट. तो ना अब जब ए बी सी और पी क्यू तुम्हारा दो, इसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, बट इसने क्या किया, ठीक है, तुम्ही लोग टाइप का कोई स्टूडेंट होगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यश. ठीक है, तुम्ही लोग टाइप का स्टूडेंट होगा. इसने क्या किया कि डायरेक्टली क्या किया, बस इसके आगे उसको प्लेस कर दिया. ठीक है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, तुमने आंसर बल्दी बता दिया ए बी सी पी क्यू जस्ट बाय प्लेसिंग टू डिजिट नंबर बिफोर द थ्री डिजिट नंबर और आंसर आ गया. ठीक है, आंसर नहीं आया, 9 टाइम्स आंसर था उसका. ठीक है, हाँ. तो अब ना इसका तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है, सोचोगे स्टार्टिंग में. तो मान लो अब ना मैं मान लो कि मैं मानता हूँ कि सपोज पी क्यू मेरा कोई नंबर है यहाँ पे, तो पी क्यू को एक्स मान लेते हैं. ठीक है, और ए बी सी को वाई मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, राइट. मेरा ये नंबर हो जाएगा ना, सो y इज अ 3 नंबर एंड तुम्हारा ये कितना है, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर हियर. ठीक है, तो देखो अब PQ और ABC को कैसे लिखोगे, हाउ डू यू राइट दिस PQ ABC. हाँ, तो ये PQ ABC कैसे लिखोगे. ठीक है, दो डिजिट नंबर है, हाउ डू यू राइट दिस. या तुमको याद है ना, मान लो कि लिखते हैं हम लोग कोई नंबर ABCDE. ओके, सो 5 डिजिट नंबर, राइट. सो हाउ डू यू राइट दिस, लिखते हो इसको ना 10 की पावर 0 1 2 3 4, 10 की पावर 4 ए प्लस 10 क्यूब बी प्लस 10 स्क्वायर सी प्लस 10 डी प्लस ई, लिखते हो इस नंबर को. ठीक है, तो ना अभी मेरे को ए बी सी को एक साथ लिखना है. हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे ए बी सी को एक साथ लिखना है और डी ई को एक साथ लिखना है. तो हाउ डू यू राइट दिस, तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि बेसिकली इन तीनों से, तो हम यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे 10 की पावर 4 है ना, 10 क्यूब है और 10 स्क्वायर है. तो अगर 10 की पावर 4 है, 10 क्यूब है और 10 स्क्वायर है, तो अच्छा उल्टा किया है ना इसने, पी क्यू को पहले प्लेस किया है, राइट. उल्टा मैंने बोला आई शुड प्लेस लाइक दिस डी ई को ना. ठीक है, उसने प्लेस ऐसा किया कि पहले पी क्यू बाद में एक्स वाई. ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन. ओके, तो पहले पी क्यू बाद में एक्स वाई. ठीक है, ऐसा प्लेस किया. सो ही हैज प्लेस्ड लाइक दैट कि पहले पी क्यू है और बाद में ए बी सी प्लेस किया. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले दो का ग्रुप बनाते हैं फिर तीन का ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, अगर आप पहले दो का ग्रुप बनाओगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि 10 की पावर 4 ए प्लस 10 क्यूब बी है. ठीक है, डी ई, हाँ आ रहे हैं. तो ये मैं पहले दो का ग्रुप बना रहा हूँ फिर तीन का ग्रुप बना रहा हूँ. ठीक है, तो इन दोनों से ना यहां से आप क्या ग्रुप बना सकते हो, तो आप बोलोगे कि हम यहाँ से 1000 कॉमन ले सकते हैं, राइट. मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 ए प्लस बी बन जाएगा ना, गुड आफ्टरनून यार. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों से 1000 को कॉमन ले लूँ तो मेरा यहाँ पे 10 ए प्लस बी बन जाएगा. और मैं अगर इधर से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, राइट, क्योंकि 100 ये तुम्हारे बेसिकली क्या है,
100C + 10D + E है, तो यहाँ जरा कुछ कॉमन नहीं आना. तो कैन आई राइट दिस नंबर, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट दिस नंबर एज 1000 AB. 10A + B इज सिंपली लाइक AB, इट्स अ टू डिजिट नंबर राइट. तो जो 10A + B है सिंपली तुम्हारा AB है, सो AB इज अ टू डिजिट नंबर है यहाँ पे, ठीक है. सो 10A + B इज AB एंड AB इज अ टू डिजिट नंबर. ओके, प्लस 100C + 10D + E, ठीक है. तो अब ये जो नंबर है ये पूरा पूरा, इसको हम CDE लिख सकते हैं, ठीक है. इट्स अ सिंपल थ्री नंबर CDE, है ना. तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, 1000 ये AB है, तुम्हारा ये 100 C, ये तुम्हारा CDE हो गया राइट, क्योंकि दिस इज अ थ्री नंबर CDE. ओके, तो अब तो यही चीज समझना है हमें कि जैसे हमें अब यहां जैसे PQ ABC था ना, तो सेम वे में हम क्या लिख सकते हैं. अगर मेरे पास PQ ABC लिखा हुआ है, कैन आई राइट PQ ABC एज, मैं PQ ABC को ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या कि PQ यहां पे, कैन आई राइट लाइक दिस, अगर मैंने PQ को यहां पे X माना है, मैंने यहां पे ABC को Y माना है, ठीक है. कैन आई राइट हियर 1000X + Y, लिख सकते हैं ना, ठीक है. यही बोला सेम रीजन, 1000 AB लिखते तो 1000 यहाँ पे, पहले हम 1000 PQ लिखते तो PQ की जगह X लिख लिया, और प्लस ABC लिखते तो ये तुम्हारा, हमने इसको Y माना हुआ है राइट. तो क्योंकि ये तुम्हारा 1000 प्लेस, यहाँ से 1000 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये तुमने, हमने लिखा इसको Y इज ABC एंड इट्स 1000X लिख लिया हमने यहाँ पे राइट. तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जो 1000X + Y इसका नंबर आया था, ठीक है, जो भी इसका नंबर 1000X + Y आया था, ये 9 times the ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है. ये बोला ना, इंटरेस्टिंगली दैट नंबर वाज 9 times the ओरिजिनल नंबर, ठीक है. तो 9 times, तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, 1000X + Y इज इक्वल टू 9 times ऑफ XY, बिकॉज मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, PQ को हमने X माना था, हमने ABC को Y माना था राइट. जस्ट लाइक मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इसको कोई नंबर अगर तुमको समझना है तो ऐसा ऐसा मान सकते हो, लेट्स से 45,123, इट्स अ नंबर राइट. ये तुम्हारा PQ, दिस इज PQ, दिस इज ABC, ठीक है. सो दिस PQ ABC, दिस इज टू इट विद थ्री नंबर, 45 ABC राइट. तो अब इसको क्या लिख रहे हो ना, तो मैंने 45 को X माना, इसको Y माना, तो मेरा नंबर क्या, मेरा नंबर XY बन गया, व्हाट इज XY, इट इज 45, 1 2 3 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. हाँ, तो अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना. अगर हम PQ और ABC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल नंबर में हमारा क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना. तो 9 times ऑफ द करेक्ट आंसर राइट. तो 9 जो हमारा ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए था, मैं तो तुम लोग को ये सिखा रहा था कि 3 × 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तुम लोग बने लगे हीरो कि सर हम पहले प्लेस कर देंगे तो कुछ कर देंगे, ठीक है. तो मैं तो सही हूँ, मैं कहीं गलत तो हूँ नहीं यहाँ पे. तो मैंने बोला कि भाई यहाँ तो 9XY नंबर तुम्हारा यहाँ पे, तो मैंने बोला कि भाई अगर हम PQ उसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा यहाँ पे X इंटू वाई आता राइट. तो 9XY आता, तो कुछ भी बोले, तुम लोग डेली क्लास में ही काम करते हो, ठीक है. जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली इससे टू ने बनाया हुआ तुम लोग के लिए, ठीक है. तो ये डेली क्लास में ही काम करते हो, डेली हर दिन के क्लास में. चलो डिस्कस करते हैं एंड में यार, ठीक है. तो ये तुम्हारा, तो तुम लोग एग्जैक्टली डेली क्लास में ये काम करते हो. मैं बोलूंगा ये करना है सर, इसमें ये भी कर सकते हैं क्या सर, सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में स्क्वायर दिया हुआ है, सर स्क्वायर हटा सकते हैं क्या सर, सर ये रेक्टेंगल बना दे क्या, यहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, सिमिलैरिटी लगाना है तो ये भाई ये कर दें क्या. तो भाई तुम ही लोग वाला सवाल है, कुछ आई नहीं है यहाँ पे, कल ही ना कर रहे थे सवाल. तो ये भाई ये कर दें, ये भाई ये कर दें, हो जाएगा. हाँ, सत्य घटनाओं पर आधारित है, सही बात है. देखो, 1000X + Y = 9XY हो गया, एंड इसके बाद तुम इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, तो उसको सॉल्व क्या करोगे इसको, सो आई कैन राइट हियर, इसको Y के टर्म्स पे लिख लो, आई कैन डू दैट एट द मैक्सिमम राइट, दैट इज 9XY - Y इज इक्वल टू 1000X, ठीक है. और अब यहाँ पे आप क्या लाओगे कि जैसे आपका ये 1000X आ गया ना, तो मेरे को Y, अब देखो मेरे को ना यहाँ को थोड़ा इसको ब्रेक करना है. अब ब्रेक इन द सेंस कि तुमको ऐसा ये इक्वेशन को ब्रेक करना भी एक आर्ट है, बिकॉज ये इतना आसान सा इक्वेशन नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा. तुम यहाँ पे एक्स और वाई के किस तरीके के वैल्यू में आप इसको पुट करोगे, ये एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है. ओके, तो थोड़ा सोचो क्या करेंगे इसको. तो वंस आई राइट हियर,
मैं लिखता हूँ वाई के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू राइट इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, तो थोड़ा एटन ट्रायल करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग सही आ रहा है, ठीक है, तो वाई के टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, तो वाई लिखो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 9xy माइनस 1000x हो जाएगा, लिख लो 9xy माइनस 1000x, राइट, ठीक है, ठीक है मोहिता, मैं गुस्सा हो जाऊंगा आज से, फिर नहीं पूछना यार प्लीज, आई रियली वॉन्टेड डैट, ठीक है, आज से नहीं, ओके तो ना अब तुम्हारे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 9xy माइनस 1000x, ठीक है, सो y इक्वल टू 9xy माइनस, गुस्सा होकर बताऊंगा, अभी तो नहीं गुस्सा नहीं आ रहा अभी, ठीक है, सो y इक्वल टू 9xy माइनस 1000x दिया हुआ है, राइट, ओके, नाउ वंस y इज इक्वल टू 9xy माइनस 1000x है, ठीक है, तो तुम्हारा अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्या किया जाए, x कॉमन लेते हैं यहां से, ठीक है, 9y माइनस 1000, फाइन, ओके, और x लिखो, x लिखोगे y अपॉन 9y माइनस 1000, ठीक है, देखो तो अब देखो x को ना, जब तुम यहां पे x को फ्रैक्शंस में आ गए, ठीक है, जब तुमने यहां पे x को लिख दिया फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से हमारा क्या हो गया ना, कि यहां पे कुछ कंस्ट्रेंट डेवलप हो गया, कंस्ट्रेंट क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज आपका ये x तो एक डिजिट है ना, तो x तो इंटीजर होना चाहिए, x क्या है तुम्हारा, x इज अ टू डिजिट नंबर है, राइट, तो व्हाट इज x हियर, x तुम्हारा एक यहाँ पे टू डिजिट का नंबर है ना, तो अब यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऊपर में y, नीचे 9y 1000 है, तो हर एक वैल्यू का इंटीजर आएगा नहीं ना, ये इट वोंट बी इंटीजर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y है, राइट, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ तुम्हारे x की वैल्यू क्या हो गया, अब देखो y अपॉन 9y माइनस 1000 है, इसको ना थोड़ा और 9 के टर्म्स में लिखो, तो मैं इसको 9 के टर्म में लिखना चाहता हूँ, देखो पता है 9 के टर्म में क्या लिखूंगा, इसको मैं 9 हटा दो, ठीक है, जब तक लास्ट तक ब्रेक कर सकते हो 9 हटा दो, सो लिखो 9y माइनस 999-1, 999 क्यों, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, इससे क्या होगा y अपॉन 9 कॉमन लिया y माइनस 111-1, दैट्स इट, राइट, यहां तक ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, यहां दिस वी कैन ब्रेक एट टिल दिस पॉइंट, कि x इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 9 अपॉन y माइनस 111-1, तो देखो अब ना मेरे को यहाँ पे y पे सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या मिला, ठीक है, तो हमको यहाँ पे y पे सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या मिला, तो y पे हमको सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये मिला कि y शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 112, बोलो है ना, तुम्हारा y क्या हो गया, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 112 आ गया, ठीक है, तो अब तुम्हारा अगर तुम्हारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 112 है, ओके, तो आप ना यहाँ पे 112 से सारी बड़ी वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओगे एक एक करके, राइट, बट हमें ध्यान क्या रखना है, इन द मीन टाइम x शुड बी अ टू डिजिट नंबर, हाँ, x शुड बी अ इंटीजर एंड x शुड बी अ टू डिजिट नंबर, तो अब हम यहाँ पे क्या, हमें क्या पता है कि y तो पक्का, हमें ये पता था कि जब हमने यहाँ पे PQ को x माना था और ABC को y माना था, तो PQ का क्या था, टू डिजिट नंबर, ठीक है, और ABC क्या है, थ्री डिजिट नंबर है, ये है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ तुम्हारा यहाँ पे x है, सो PQ इज अ टू डिजिट नंबर, सॉरी x इज अ टू डिजिट नंबर, तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज अ टू डिजिट नंबर, राइट, ठीक है, और y क्या है यहाँ पे, y is a three digit number. If y is greater than equal to 112, तो मैं यहाँ पे y को एक एक करके 112 से बड़ा वैल्यू पुट करूं, है ना, तो अब मान लो आपने, अगर आपने y को 112 पुट किया है, तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, टेल मी, अगर तुमने y को यहाँ पे 112 पुट किया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, निकालो, 112 माइनस 1, माइनस 1 इज 8, तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा, x तुम्हारा क्या आ जाएगा, x will be equal to y, y को तुमने 112 पुट किया है, 112 by 8 is equal to 14, आएगा? नहीं, CAT में नहीं आएगा, हम लोग CAT का क्लास करते ही नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लोग मजा करते हैं, CAT का क्लास क्यों करना, CAT में ऐसे सब कुछ नया आएगा, CAT में, ठीक है, तो CAT में क्यों करना, ऐसे ही जनरल मजे करो थोड़े, ठीक है, हाँ,
तो तुम्हारा दिस इज वाई इक्वल टू 112 एंड तुम्हारा एक्स क्या हो गया यहाँ पे 112 बाई 8 हो गया, ठीक है। तो इस तुम्हारा नहीं नहीं सीरियस क्लास नहीं कैट वाली, हम लोग सीरियस क्लास करते ही नहीं कैट वाली, ठीक है। एकदम हम लोग नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम कैट का छोड़ कर सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग कैट छोड़ के, ओके। देखो तो देखो तो यहाँ तुम्हारा क्या है, सो एक्स इज इक्वल टू 112 बाई 8 इज इक्वल टू 14, राइट। हाँ एकदम, तो 112 बाई 8 तुम्हारा इक्वल टू 14 है, राइट। और तुम्हारा वाई कितना आएगा यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, आप तो अब बताओ कि तुम्हारा अगर यहाँ पे वाई तुम्हारा 112 माइनस 1 क्यों है, आप ऐसा आंसर क्यों देते हैं? जैसा देखो जैसा सवाल पूछ रहे वैसे ही आंसर देते हैं ना, ठीक है। सबको पता है कि रोधा पूरा कैट का कंटेंट है, ये एलआरडी का ट्रेन भी ट्रेन और बेस्ट है कैट 23, हम लोग अच्छे अच्छे सेट्स करते हैं। सबको पता है कि मैं क्लास में बहुत सेट्स कराता हूँ, वो अनअकैडमी का स्टूडेंट है। अब वो आके क्लास में पूछेगा कि सर ये सेट कैट में आएगा, तो उसको आंसर वैसे ही मिलेगा ना कि नहीं आएगा कैट में, तो कहीं और देख लो भैया। तो जैसा तुम लोग जैसा सवाल करोगे वैसे आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको अगर सेल्फ कन्विंस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा बताओ। तो मैं भी कन्विंस नहीं कर पाऊंगा ना उसको। देखो तो जैसे बकवास सवाल पूछोगे तो बकवास आंसर भी वैसे ही मिलेगा। देखो दैट्स करेक्ट। तो अब तुम्हारा देखो तुम्हारा वाई इक्वल टू 112 आ गया, तो अब ध्यान देना गाइस यहाँ पे, जैसे तुम्हारा वाई इक्वल टू 112 आ गया तो अब तुम्हारा ये अगला क्या आएगा यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू 112 और तुम्हारा एक्स यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताओ कि अब मुझे ये वैल्यू कब तक चेक करना पड़ेगा, टिल विच पॉइंट आई नीड टू चेक दिस। कब तक 90 तो ठीक है, बट ये तो हमको चलो 112 एक केस आ गया, राइट। हम ये कब तक चेक करेंगे ना फॉर माई, नहीं मेरा यहां पे कंसर्न क्या है ना कि वाई शुड बी अ सॉरी वाई इज अ 3 नंबर एंड एक्स इज अ 2 नंबर। तो एक्स एट क्योंकि y का तो बहुत बड़ा रेंज आ जाएगा यहाँ पे, तो मुझे x पे ध्यान रखना है कि x तुम्हारा यहाँ पे क्या आए 2-digit नंबर आए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इस पे ध्यान रखते हैं, तो देखो कितने कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे, सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस राइट। हम ये केस बनाते हैं यहाँ पे, तुम यहाँ बोलोगे y की वैल्यू कितनी है, बताओ y की वैल्यू, तो आप बोलोगे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, सो y इक्वल टू, अब तुम बोलोगे अगर y को मैंने 113 पुट किया, ठीक है, तो अगर मैंने y को 113 पुट किया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ मतलब बताओ वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इफ यू पुट y इक्वल टू 113, राइट। तो 113 इंटीजर नहीं आ रहा है ना, देखो 113 अपॉन 817 आ जा रहा है, तो यहाँ पे x तुम्हारा क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 113 बाई 17, तो x इज नॉट एन इंटीजर, राइट, ठीक है, x तुम्हारा इंटीजर नहीं आ रहा। y इक्वल टू 114, अगर यहाँ पे चेक करोगे तुम्हारा x कितना जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 माइनस 12, ठीक है, अगेन यहां भी तुम्हारा x इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा ना। तो अगर y को चेक करोगे 115, ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि x का हमको चेक कहां तक करना है, जब तक x 2-digit ना हो जाए, ठीक है, जब तक x का रहे 2-digit ना हो जाए x, ओके। तो अब तुम यहां देखोगे कि अगर तुम y को 115 पुट करोगे यहां पे, तो ये तुम्हारा 115 डिवाइड बाई 37 आ जाएगा, तुम्हारे यहां पे क्या आएगा, y इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 माइनस 1, है ना, सो 9 इंटू इज 35, राइट, ठीक है। तो देखो तुम्हारा इंटीजर तो नहीं आया, खैर इंटीजर तो नहीं आया तुम्हारा x की वैल्यू, कि तुम्हारा तुमने y को 115 पुट किया था ना, द मोमेंट यू पुट 115 y हियर, 115 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 माइनस 35, तब बोलो 35 आ रहा है यहाँ पे, तो तुम बोलोगे x इक्वल टू 115 बाई 35, ठीक है, तुम्हारा ये 115 बाई 35 है, तो बोलोगे x वन इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है, y इक्वल टू 116 पे चेक करो, इफ यू 116 हियर, तुम्हारा x यहाँ पे क्या आएगा, 116 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 माइनस 4, है ना, 9 इंटू 5 माइनस 1, तो तुमको देखो तुमको यहाँ पे ना एक चीज दिख जाएगा तुमको यहाँ पे, तो वो क्या दिखेगा कि तुम्हारा 116 बाई 9 इंटू 5 माइनस 4 है, जिस 44 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज इस एक वैल्यू के बाद हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, कि अब x कभी भी 2-digit नंबर नहीं आया, क्योंकि ये वैल्यू आपस में और क्लोज होते जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा x का वैल्यू भी क्या आ रहा है बताओ, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 3 point something आ रहा है ना, यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 point something आ रहा है, get the point, right?
तो अब लोग ना ये वैल्यू यहाँ पे घटता ही जा रहा है, और क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज ही होता जा रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपका वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज ही होता जा रहा है, तो आप बोलोगे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारा ये सारे वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं, तो अब तो एक्स कभी भी टू नंबर नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि हमको तो चाहिए था कि एक्स शुड बी टू नंबर, ओके। तो बोलोगे एक्स के टू नंबर आ नहीं पाएगा, तो हमको इसके आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं हमको, तो ओके। तो हम बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे, हाँ भाई एक ही वैल्यू हमारे पास, y इक्वल टू 112 एंड x इक्वल टू 112 बाई 814, ठीक है। y माइनस 111 अगर, हाँ तो y को दोबारा पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये देखो अनडिफाइंड और डिनोमिनेटर, वरना ना तुम लोग का डाउट वैसा रहता है ना, पुट करो 112 y को, ठीक है, पुट करो 112, ठीक है, 112 माइनस 111 इज इक्वल टू 1, 9 into 1 is 1, 1 minus 1 is 8, 8 आ रहा है मेरा तो, अच्छा बोलो मैं वीकेंड में क्लास नहीं रखूंगा फिर, और क्या नहीं मैं तो रखूंगा, मजा आता है हैंगओवर में क्लास तुम लोग करने का, अलग मजा है। आकांक्षा 112 के फैक्टर कैसे करोगे बताओ ना, फैक्टर का फंडा नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे तुम वाई को फ्री नहीं कर पा रहे हो वेरिएबल से, क्योंकि वाई ऊपर में वाई नीचे में, राइट। तो तुमको यहाँ पे पंगा क्या कि तुमको यहाँ पे वाई दोनों साइड में आ रहा है, ठीक है। तो आप तुम्हारा ये वाई है और तुम्हारा यहाँ पे वाई है, ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वाई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। अगर अगर तुम्हारा एक साइड फ्री हो जाता वेरिएबल से, कॉन्स्टेंट टर्म होता, तो वहां पे वेरिएबल पुट कर फैक्टर फैक्टर कर पाते, एकदम पीते हैं भाई हम, थम्सअप पीते हैं, कोक पीते हैं, ठीक है, नशे क्यों करने हैं, बोला ना मैंने जिंदगी ऐसे ही एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, ऐसे ही पियो, ऐसे डेली डेली नशे में रहो। बस एक ही केस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोलोगे ओनली वन केस इज पॉसिबल, तो आपका वाई यहाँ पे कितना आ गया, वाई 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 इक्वल टू 114, ओके, तो वाई इक्वल टू 112, एक्स इक्वल टू 114, अब हो जाएगा सारा, सॉरी 14, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स PQ ABC आर पॉसिबल, राइट। तो PQ और ABC के ओनली एक ही पेयर पॉसिबल है ना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द थ्री डिजिट नंबर ABC डिवाइड बाय टू डिजिट नंबर PQ, 112 को डिवाइड किया 14 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 कैसे आएगा भाई, 0, 14 8 या 112 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस, हम तो टू नंबर निकालोगे ना तो, ठीक है, क्या कैलकुलेट दिस, राइट, मतलब एक जब ये निकालोगे तो सारा कुछ निकल जाएगा वहां, ठीक है। चलो एक और सेट करते हैं, ये सब सेट करने से क्या हो जाएगा कि LRDI भी अच्छा होगा और क्वांट भी अच्छा, दोनों अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वांट का फंडा भी यूज होगा, तो माइंड भी डेवलप करेगा किसी केसेस में सोचने के लिए, LRDI में लैंग्वेज भी क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। सो ऑल बहुत फायदा होता है, क्वांट बेस्ड पजल करने से बहुत फायदा होता है, ठीक है, अगर क्वांट बेस्ड पजल पजल करते हो तो, इसलिए इसलिए कैट में इतना आता है, कैट में इतना क्वांट बेस्ड पजल इतना ज्यादा क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि वहां पे दिमाग ज्यादा लगता है, क्वांट का भी यूज, LRDI का भी यूज, लैंग्वेज का भी, सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है।
चलो एक हेलो करेंगे, बहुत देर हो गया किए हुए, क्रिप्ट अर्थमेटिक किया जाए एक, ज्यादा टफ नहीं आसानी है ये, ठीक शुक्रिया रात तक शुक्रिया ट्वेंटी का क्लास, एक बार ट्राई करो। पीछे प्लस क्लास में आना है, रात वाले क्लास में आना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा होता है कि ए बी सी डी जितने भी सारे हैं ना, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये सवाल है, ये तुम्हारा है, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें देखना है क्या है, अबे यार नहीं ये दे रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन होगा, 3 और 2 को करने पे एडिशन हो जाएगा, ये बचपन ही भूल चुके अपना बचपन भी। अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्रॉस का साइन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, एक बार ई से मल्टीप्लाई करने पे ये आता, डी से करने पे ये आता, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। लोग ना बोलना समझाना क्या, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए बी सी इंटू ई ये आ रहा है, ए बी सी इंटू डी ये रो आ रहा है, फिर इसका ऐड करने पे ये आता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करता है, और क्या होता है। वेरी वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। 6 6 महीना हो गया, जब अभी तो ओस की बूंदे ही है सब, 6 महीना तक हुआ नहीं है कुछ भी, स्पीड मैथ्स नहीं ले रहा अभी मैं, स्पीड मैथ्स की लेना है अभी। कुछ हो रहा है, मिला कुछ है, अटैकिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करें, क्या करें। देखो ये मैं समझाता हूँ, तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अगला अगला वाला सेट खुद से कर लेगा, एक और दे दूंगा तुमको करने के लिए, ओके।
देखो ये समझाता हूँ। देखो ऐसे क्या होता है ना कि जब भी ऐसा हमारे पास स्क्रिप्ट अरे समझा देता हूँ, एक बार याद भी आ जाएगा, बहुत दिन हो भी गए। ठीक है एक और दे दूंगा, खुद से कर लेना। एक और भी है इसका, कर लो। वेट वेट वेट, करो करो ट्राई करो। अब करें डिस्कस।
पहले पोलिंग कर लेते फटाफट। चलो पोलिंग करो यार। चलो बॉलिंग कर लो फटाफट फर्स्ट की बॉलिंग। बताता हूँ समझाता हूँ मैं। करवाया था अभी फिर करा देंगे बाद में। अलजेब्रा में थर्ड की बॉलिंग। फोर्थ की पोलिंग। देखो वो यहां पे सवाल ये है ना इसके जो लिखा हुआ है ठीक है। तो देखो ऐसे जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अनुभव का अटैकिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जहां भी हमारे रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होते हैं ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर आवर अटैकिंग पॉइंट ठीक है। मतलब वो था ठीक है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या रहा, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो वहां पर क्या होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अटैकिंग पॉइंट। ये मेरे क्या होता है यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट होता है ऐसे सेट्स में ठीक है। तो अब जैसे ना तो ये तुम्हारा तो जैसे यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल आप देखोगे और एक और अटैकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट साइड में थोरॉटिकल, मतलब जहां पे ना ऐसे ये टाइप के लेटर्स होते हैं यहाँ यहाँ भी देखना होता है क्योंकि यहाँ पे लेटर्स जो लेफ्ट साइड बचे होते हैं ना इस साइड में ठीक है, क्योंकि यहां से काफी हिंट मिलता है लेटर्स हमें। तो ये सब दो तीन सेट में देखना पड़ता है हमें ओके।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है लेटर, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑब्वियसली ए ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ समझने के लिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ए बी सी में जब हम यहाँ पे ई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, जब ए बी सी में हम ई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एफ ई सी मिल रहा है, राइट right? तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे ई इंटू सी मुझे सी मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं हम यहाँ पे कि ई इंटू सी मुझे सी मिल रहा है, ठीक है। अरे थ्री मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा, थ्री मल्टीप्लीकेशन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते ये रो आता है, अरे बाप, तुम लोग देखो सिखाता हूँ थ्री मल्टीप्लीकेशन, 143 इंटू 32 कैसे करते हैं, ठीक है, पहले 143 इंटू 2 लिखते हैं 286, ठीक है, 143 इंटू 3 लिखते हैं 429, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ये 6 कैरी आएगा, 7 ये 5 ये 4, ठीक। तो अब ना यहाँ पे तुम्हारा तो इस केस में तुम्हारा ए बी सी इंटू ई, ठीक है, सो ए बी सी इंटू ई इज एफ सी, राइट। तो ना तुम्हारा ऐसे अब F, अब हमें क्या पता है कि E इंटू सी हमारा सी आ रहा है, तो E इंटू सी हमारा यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कब का पॉसिबल है, ठीक है, देखो कब का पॉसिबल होता है, तो ऑब्वियसली एक केस यहाँ पे होता है कि जीरो भी होता है ना, जब बोलोगे सर E इंटू जीरो भी जीरो हो जाता है, जीरो हो सकता है, तो एक केस पॉसिबल है कि सी जीरो हो जाए, ये एक केस पॉसिबल है, राइट। बट तुम बहुत इजिली देख पाओगे कि सी यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होता फिर सारा ही जीरो हो जाता, E into C भी जीरो होता, और फिर यहाँ भी आपका E plus C भी E होना चाहिए था ना, फिर तो अगर C जीरो होता तो फिर E plus C भी तो E होना चाहिए था, ठीक है, अगर C जीरो होता तो E plus कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे तो E plus C यहाँ पे E होना चाहिए था, बोलोगे E C जीरो तो नहीं है, बोलोगे ठीक है ये केस तो नहीं है इसका। देखो और क्या केस होता है कि अगर आप E into C में C लाते हो तो एक यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 5 में ही एंड करेगा, ठीक है, तो कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 में ही एंड करेगा, ठीक है, हाँ आ रहा हूँ ये करके। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे ऐसा ना, आपका यहाँ पे ये क्या है, तो आप बोलोगे इन दैट केस ऑड नंबर तुम्हारा क्या है, इट कुड बी 1 × 5 5 हो सकता है ना, इट कुड बी 3 × 5 भी 5 में एंड कर सकता है, it could be 7 × 5 भी 5 में end कर सकता है, right? it could be 9 × 5 भी तुम्हारा 5 में end कर सकता है, ये possibilities है, right? जब भी तुम्हारा क्या होता है letters का repetition होता है तो, okay? अब इसमें बहुत तुम easily देख पाओगे कि e 1 नहीं होगा, कि छोटे में हटा था ना, 0 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, ठीक है, e 1 क्यों नहीं होगा, e 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर e को 1 रखोगे तो a b c into 1 तो a b c ही आ जाएगा ना, a b c into 1 तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एबीसी ही आ जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू हियर, ओके करो ना यार अचित, ठीक है, तो बोलोगे ई तुम्हारा 1 नहीं हो सकता। अब तुम्हारा 3 5 7 9 बचा, मैं तुमको पहले सारे केस समझा देता हूँ और क्या होता है यहाँ पे, देखो और एक और इवन में भी केस होता है, ठीक है, तो अगर कभी ऐसा तुमको दिखता है यहाँ पे कि ई इंटू सी तुम्हारा सी है, तो ऑड में ये केस बना, एक केस बनता है जीरो का और एक केस बनता है इवन का, इवन में क्या होता है 6 का कोई मल्टीपल थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो ये 6 के मल्टीपल के साथ होता है, राइट, फॉर एग्जांपल 6 × 2 विल बिकम 2, ठीक है, अब बोलोगे 6 × 2 विल बिकम 2, है ना, 6 × 4 विल बिकम 4 या 6 × 8 विल बिकम 8, है ना। तो ये क्या होता है कि ये अगर कहीं E into C अगर C लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आपका ये या तो इसके या तो ये एक नंबर इसमें 6 होगा, हाँ, और बाकी इवन होंगे, या तो इसमें एक नंबर 5 होगा बाकी ऑड होंगे, ठीक है, तो यही केसेस बनते हैं, ये बहुत कॉमन केस है, तो हमेशा देखो कि E into C equal to C का बहुत कॉमन केस है, ठीक है, तो हमेशा मिलेगा, ठीक है, करके देखो ना, तो बताओ मुझे 2 कैसे होगा, बताओ, ठीक है, 2 × 2 बताओ 2 × C का किस पे सी आएगा, बताओ मुझे, सोचो कि 2 अगर यहाँ रखोगे 2 तो 2 × क्या मल्टीप्लाई करने में सी आएगा, बताओ, 2 अगर E को 2 रख रहे हैं ना तो 2 × C करने में सी आना चाहिए, सोचो, ओनली 1, दैट्स इट, राइट, ठीक है, वह मैंने बोला कि 1 पॉसिबल नहीं है, व्हाट आई टोल्ड किया 1 इज नॉट पॉसिबल, 1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज E इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि E आपका 1 नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ, अब आपका यहाँ पे 0 केस वाला हो गया, फाइन,
वन, ठीक है? तो अब ना करेक्ट, अब सोचोगे आप यहाँ पे कि इन सारे केसेस में, ठीक है, मतलब हमें दो केस लेके चलना पड़ेगा, तो हमारा इन दोनों केस का कॉम्बिनेशन क्या बनता है मुझे बताओ। तो इन दोनों केस का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तो बोलोगे या तो C की वैल्यू 5 है और या तो E की वैल्यू 6 है। बोलो ये दो केस है ना, गेटिंग इट राइट? या तो अगर अगर ये केस होगा तो इसमें E इक्वल टू 6 है पक्का, E इक्वल टू 6 है पक्का, ठीक है? और अगर ये वाला ऑड वाला केस है तो यहाँ C इक्वल टू 5 है पक्का। हाँ, तो आप बोलोगे कि मेरे पास यहाँ पे दो केस बनता है, ठीक है, वाई E कांट बी 1। अबे ए बी सी में अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी आ जाएगा ना यार, ठीक है? अगर आप ए बी सी में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ए बी सी आ जाएगा ना, तो कैसे 1 होगा? ई नहीं हो सकता ना। ओके, तो अब ना जैसे अब देखो तुम्हारा यहाँ पे रुक जा परितोष, आई मीन मिडल समथिंग, ठीक है, विल डिस्कस दिस। हाँ, वी हैव चांस, ठीक है, कल आराम से डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में, ठीक है? तो तुम्हारा यहाँ ना 6 × 2 तुम्हारा 2 है और 6 × 4 तुम्हारा यहाँ पे 4 है, राइट? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो देना यहाँ पे कि C का तुम्हारा C आ गया यहाँ पे, ओके फाइन, सॉरी C × EC आ गया। तो हमारा यहाँ पे दो केस बनेगा, दो केस क्या लोगे? बोलोगे इधर C इक्वल टू 5, या तो आप बोलोगे केस 1 क्या लेना है, हम C इक्वल टू 5 ले रहे हैं, और हम केस 2 क्या ले रहे हैं, E इक्वल टू 6 ले रहे हैं। हमको किसी एक ना एक केस के साथ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो आप बोलोगे कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे केस स्टार्ट, और एक ना हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म है, ठीक है? देखो एक और टर्म क्या है, नीचे वाला भी है कि ए बी सी इंटू डी क्या बन जाएगा, डी ई सी बन जाएगा। तो ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, डी ई सी बन जाएगा। ये भी वही टर्म है ना, बोलो, ये भी सेम ही चीज है, ए बी सी इंटू डी, ये सेकेंड रो आएगा तुम्हारा, डी ई सी बन जाएगा, राइट? ओके, एंड मोर ओवर अब यहाँ पे ना देख, ध्यान देना हमेशा यहाँ पे, ठीक है? अब इन थोड़ा केसेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है? लेट्स एनालाइज दीज केसेस हियर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ दूसरे पेज में, फाइन। ए बी सी इंटू ई इज इक्वल टू एफ ई सी, F E C, एंड सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या केस है, ए बी सी इंटू डी इज डी ई सी, ए बी सी इंटू डी इज डी ई सी, यही केस है, राइट? ठीक है, अब देखो यार एनालाइज करते, अब बोलो ना हम किसी एक केस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब लेट से हम C इक्वल टू 5 लेके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? लेट फॉर टाइमिंग लेट स्टार्ट विद C इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का टाइम यहाँ पे ही चल रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C इंटू, देखो मतलब C इंटू डी बी सी हो रहा है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि C इंटू डी बी सी हो रहा है ना, और फिर आपका C और आपका यहाँ पे C इंटू ई बी सी हो रहा है, राइट? तो ये केस तभी पॉसिबल है ना कि जब तुम्हारा C यहाँ पे कोई ऑड नंबर होगा, क्योंकि सॉरी C तुम्हारा 5 होगा, क्योंकि अगर तुम सेकेंड केस लोगे तो सेकेंड केस में E की वैल्यू 6 है, और सेम सिचुएशन यहाँ पे D के साथ भी है, तब लोग ये भी पॉसिबल डी बी 6 हो पाएगा, है ना? तो ये भी नहीं पॉसिबल जो डी 6, तो ये भी तभी पॉसिबल जब यहाँ पे तुम्हारा डी 6 हो पाएगा, तो ई और डी दोनों 6 नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो, राइट? ठीक है, आपका यहाँ पे ई और डी दोनों साथ में थोड़े 6 हो सकता है, ठीक है? सो बोथ कैन नॉट बी 6, राइट? तो आप बोलोगे कि ये 6 वाला, अब अगर यहाँ पे क्योंकि दो बार सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, तो बोलोगे एक तो आपका ये पक्का 6 वाला केस था, बट ये तो फिर एक बार E 6 आ रहा है और सेकेंड वाले केस से आपका D भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 6 = 12 होता है, 4 × 6 = 24 होता है ना, तो ये तो बोलोगे तो ये आपका D और E दोनों 6 हो जाएगा, जबकि सारे नंबर क्या है, ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है? तो बोलोगे ये तो नहीं पॉसिबल है, दैट मीन्स हमारे पास एक ही केस क्या पॉसिबल हुआ हमारे पास, तो ओनली 1 केस इज पॉसिबल, that one case is possible that C equal to 5 for sure. C तो मेरा पक्का 5 हो गया, ये तो मेरे बचपन में आ गया, ठीक है? C is 5, तब जहां C है वहां पे 5 से replace कर देंगे, C को replace कर दिया 5 से, C को replace कर दिया 5 से, C को replace कर दिया 5 से, और C को replace कर दिया 5 से, ठीक है? अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे एक और hint है actually में, ये hint क्या है,
कि ना डी देखो हम यहाँ पे एबीसी एक थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है, थ्री डिजिट नंबर में एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड इट रिमेन्स अ थ्री डिजिट नंबर, गेट द पॉइंट राइट? ठीक है, तो कहने का मतलब मान लो सपोज ये तुम्हारे ये फाइव है, ठीक है, तो ये ना नंबर आपका बेसिकली क्या है कि आप ये नंबर थोड़ा छोटा सोचेंगे ना, मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ नमाज नंबर है 2 2 2 3 5 नंबर है, एक नंबर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये 1175 बन जाएगा ना, गेट द पॉइंट राइट? तो ये तुम्हारे 4 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है, तो हमें यहां पे जब भी सोचना है तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट कैन नॉट बी वेरी लार्ज नंबर राइट, तो इसको ना हमें ज्यादा बड़ा नंबर नहीं सोचना है हमें, ठीक है, वी डोंट हैव टू थिंक दिस नंबर दैट दिस नंबर कैन बी 8 और 9 काइंड ऑफ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, सो दिस इज अ वेरी दिस इज अ स्मॉलर नंबर राइट, मेरे को क्या सोचना है यहाँ पे छोटा नंबर सोचना है, क्योंकि अगर बड़ा नंबर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 डिजिट नंबर, जबकि दोनों केस में क्या है, दोनों केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्या बन रहे हैं, 3 डिजिट नंबर बन रहा है, तो आप बोलोगे ई और डी दोनों क्या है हमारा, ई और डी दोनों ही यहाँ पे छोटा नंबर है ना, तो ई और डी दोनों क्या छोटा नंबर है राइट। अब देखो मुझे क्या समझ में आ गया, मुझे इतना पता है कि ई और डी ऑड है, बोलो यस और नो, ई और डी ऑड है राइट, ऑड है ना, क्योंकि ये जो फाइव वाला केस है ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है, बोलो ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है राइट, तो अगर ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है तो आप बोलोगे ई और डी की वैल्यू क्या होगी, तो ई और डी की वैल्यू हो जाएगी 1379, ठीक है, ई और डी की वैल्यू किस में से होगी, इसी में से होगी ना, इधर इट शुड बी 1379 राइट, आपको पता है कि वन नहीं हो सकता, आपको क्या पता है कि वन नहीं हो सकता, ये पता है ना मुझे कि ये तुम्हारा वन नहीं हो सकता राइट, तो बचा क्या मेरे पास, और नाइन हो नहीं सकता फॉर द सेम रीजन, अगर नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनी थ्री डिजिट नंबर इंटू नाइन विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर, है ना, सो एनी थ्री डिजिट नंबर इंटू नाइन विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो उल्टा और पॉसिबल नहीं, दैट मीन मेरे पास क्या बच गया, दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ क्या बचा कि ई की वैल्यू 3 या 7 होगी या डी की वैल्यू 3 या 7 होगी, आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस नाउ, ठीक है कि 3 या 7 होगी, ओके okay? तो चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या किसी एक को लेके सॉल्व करते हैं, और जो अगर अब यहाँ दो केस बन रहा है कि ई और डी इज इक्वल 3 और 7, तो बस दो ही तो केस ही बन रहा है ना, एक केस को लेके करेंगे अगर सेटिस्फाई करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कर लेंगे राइट, तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू पुट ई इक्वल टू 3, ई को 3, ई को मतलब डी को 3 लेते हैं, ई को 7 लेते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो लेट्स टेक डी इक्वल टू 3 एंड लेट्स टेक ई इक्वल टू 7, तो मैं पहला केस ले रहा हूं डी इक्वल टू 3 एंड ई इक्वल टू 7, अगर सेटिस्फाई कर दिया ठीक है, नहीं तो उल्टा कर देंगे राइट, पुट करो यहां पे डी इक्वल टू 3 फटाफट, और यहां पे डी को 3 पुट करो क्या होगा, डी को 3 पुट करो तो 5 इंटू 3 इज 15, 15 का 5, और यहां पे तुम्हारा डी 3 आ गया, ठीक है, देखो यहां पे तो काफी अच्छा अच्छा हिंट है, यहां पे मेरे पास कुछ ज्यादा पंगा नहीं है, यहां पे आपने डी को 3 लिया है और आपने आपने क्या लिया है, ई को 7 लिया है, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या किस चीज में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा थी तो 375 बन जाएगा, बोलो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, 125 है ना, 125 इंटू 3 बिकम 375, बोलोगे 125 इंटू 3 बिकम्स 375 बन जाएगा ना 375, ठीक है फाइन, और यहां पे तुम्हारा E7 आ चुका है तो बोलोगे ठीक है हमने E7 लिया था इस केस में, E7 है मेरा यहाँ पे और हमने E को 7 लिया था, दैट्स इट राइट, है ना, और हमारा यहाँ पे A1 आ चुका है, तो हम A को 1 रखते हैं और हम B को 2 रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा A1 B2 आ चुका है, चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग राइट, हम श्योर नहीं है, हम चेक कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो A को 1 आ चुका है मेरा, B2 आ चुका है, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे A1 125 into 7 is equal to 875. ब्रो एकदम सही, ऑल सेटिस्फाई कर गया, कुछ रिपीट नहीं किया, कुछ कॉन्ट्रेक्ट नहीं किया, है ना, तो ना कुछ रिपीट किया ना कुछ कॉन्ट्रेक्ट किया, तो लोग ऑल सेटिस्फाइड, दैट मींस दिस केस इज करेक्ट, ठीक है, तो आपको फिर सेकंड केस चेक नहीं करना, अगर ये केस गलत हो जाता फिर सेकंड केस सही हो जाता, है ना, तो डी डी इक्वल टू 7 लेते फिर इक्वल टू 3 लेते आप, ठीक है, डन हो गया, दो केस नहीं होगा ना, नंबर्स यूनिक होते हैं राइट, तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने में सेम पैटर्न है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ओके okay. या ना इसे यहाँ पे चेक करो ना, यहाँ पे यहाँ डी 3 आ गया, नीचे नीचे 375 था, तो कौन से नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा, ये तो मैं चेक करना था, ओके दैट्स दैट्स ऑल वी नीड टू चेक हियर,
बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को कहीं पे भी? ठीक है, अब एक बार इसका ना मैं वो करा दूंगा, क्यों बोलता हूँ, इसका मैं तुमको एक बार वो कराऊंगा, ये सेट मतलब थोड़ा ये वाला 3 to 3 मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, वो भी करा दूंगा एक बार, तो थोड़ा ऐसे ऐसे करता दिमाग खुलता है, तो ऐसे सब सेट करने से। और क्या, चलो ठीक है फिर, रात में ज्योमेट्री क्लास करेंगे, ठीक है, शाम में थोड़ा डीआई डाइसी लग रहा है, डीआई वाला क्लास मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को सेट दे दूँ करने के लिए खुद से, जो आज का पीपीटी बनाया है। अरे कल मॉर्निंग ट्रैवल कर रहा हूँ ना, चीको बोल रहा कहीं घुमाने के लिए, बोल रहा था कहीं घुमा दो कहीं घुमा दो कहीं घुमा दो, कल सुबह से 3 दिन नहीं रहूंगा फिर मैं, वही बेचारा फीवर से उठाया फिर, फीवर से, ठीक है, तो देखते हैं एक बार उसको, उसका मूड क्या है, ठीक है, अभी इसलिए नहीं लिया मैंने, तो अभी अगर मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं ग्रुप में पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो कर लेना, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे, और लूंगा तो ठीक है, लूंगी ही लूंगा फिर तो। डिपेंड्स ऑन चीकू, उनका मूड वो बोलेगा नहीं पापा फ्रेंड्स आ गए, मैं नहीं जा रहा कहीं पे मैं क्लास ले लूंगा उसके आधार क्या। कल तक तो फेवरी था, कल तक तो बेचारे को फेवरी था, कल तक तो, कल आफ्टरनून में आज फीवर नहीं आया तो ठीक लग रहा था सब थोड़ा उसका। हाँ क्या डाउट पूछ रहे हो तो? अभी नीचे गया है ऐसे ही वॉक करने नानी के साथ, क्या डाउट है बताओ? जी नहीं मिल रहा, जी कहाँ है यार, मिल जाएगा जी ना, कैसे जी नहीं मिलेगा जब ई और सी का वैल्यू आपको कितना आ चुका है, सी 5 आ चुका है, ठीक है, जब सी आपका 5 आ चुका है, ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ई की वैल्यू ई 7 आ चुकी है और सी 5, तो ई 7 है सी 5 है तो बी 2 आ गया, कैरी 1 कर दो, एफ तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका था, एफ कितना था तुम्हारे यहाँ पे, एफ कितना आया था हमारा, एफ इक्वल टू 8 आया था और हमारा ई 7 आया था, तो एफ 8 को और ई 7 डाल दो, एफ को 8 डाला ई 7 डाला, 8 + 10 = 15, 1 carry 16, तो जी 6 हो गया, ठीक है, फिर 1 carry आ गया यहाँ से, ओके, तो D+1 is H, तो D तुम्हारा क्या है 3 है, तो H should be 4, C6 कैसे होगा, कैसे लाओगे यहाँ पे, सोचो कैसा कोई नंबर कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 6 ही आ जाए, बताओ कोई नंबर होगा क्या ऐसा? हाँ चलते चलते, दो नंबर रिपीट नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, हैंडआउट में देख लें क्या है, करेक्ट 9 लेने पे 4 नंबर आएगा, 9 लेने पे, ठीक है, 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल नहीं ले सकते, 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो आपको यहाँ पे सेम और डी के साथ हो रही है, ठीक है, सी इंटू डी बी सी आ रहा है और सी इंटू ई बी सी आ रहा है, राइट, तो अब तुम्हारा यहाँ पे सी इंटू डी सी आ जाएगा और तुम्हारा सी इंटू ई सी आ जाएगा, ओके, तो अब तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, तुम्हारा नंबर तुम्हारा यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है, एकदम दिला देंगे मोहित, तुम अपना एमबीए कॉलेज करने का तुम 3 लाख का पैकेज लेना, ठीक है, तो मैं भी तो वो फ्री में दे दूंगा अनअकैडमी सब कुछ का, ओके, मेरी तरफ से, व्हेन यू डिसाइड टू क्विट लीव साइलेंटली देन विल डू, ठीक है, तो फिर तो यही तो है ना, तो तुम कहाँ से जॉब लोगे, तो यहाँ भी तो अनअकैडमी तो तुम्हारा किसी का जॉब ही है ना, तो फिर वो क्या करेंगे अपने जॉब का, ऐसे ही हर क्लास में दो चार हर दिन ना, तो क्या बोला तुम्हारा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 6 और 6, तो अब तुम्हारा यहाँ सेम साथ हो रहा है, ठीक है, अभी मैंने एक बनाऊंगा मैं 3 और 3 क्रॉस 1 एक बनाऊंगा, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक बनाऊंगा जरूर दूंगा तुम्हारा ये, तो यहाँ पे सी, अब या तो अगर 6 वाला केस होगा फिर दोनों ही केस में हो जाएगा ना, 2 × 6 = 12, ठीक है, और आपका यहाँ भी वही हो जाएगा लाइक 4 × 6 = 24, तो आपका बोलोगे आपका डी और ई भी दोनों 6 हो जाएगा ना, अगर इवन लोगे तो,
दैट दोनों वाले सिक्स सेम नहीं हो सकता ना, दैट इसलिए हमने सिक्स नहीं लिया, सिक्स नॉट पॉसिबल. करवा देंगे, कराया था मैंने बहुत सारे से, और करवा दूंगा आगे कोर्सेज में. ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा मजा आता है, थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है, एडिशन इजी होता है. एडिशन कैट में हालांकि अभी तक एडिशन ही आया है. ठीक है, एक बार आया था मल्टीप्लीकेशन, एक बार एडिशन आया था कैट में, वो भी मल्टीप्लीकेशन 3x2 का ही था, इजी था, बहुत टफ तो नहीं था. लेंगे अभी नहीं लेंगे स्पीड मैथ्स, थोड़े दिन बाद लेंगे, कुछ दिन के बाद. जैट में टफ वाला आया था. क्या डाउट है बोलो. हाँ करो ना, जॉब करना हमेशा अच्छा चीज होता है, इट्स गुड थिंग जॉब करना. जॉब के साथ तुम्हारा हमेशा इट विल बी अ डिसेंट इंटर, कुछ सीखने को मिलेगा जॉब में. ठीक है, प्रेप भी करो, थोड़ा लाइफ डिसिप्लिन होगा जॉब करने से, इंटरव्यू में अच्छे आंसर दे पाओगे, दैट्स गुड. तो फरवरी तक का वर्क एक्स काउंट होगा, जब तुम फैब में इंटरव्यू दोगी तो फैब तक का तुम्हारा 8 महीने काउंट होगा वर्क एक्स, 8 महीने का. जब इंटरव्यू दो तब तक वर्क एक्स काउंट होगा ना, तब तक का. हाँ करने चाहिए ऐसा जॉब जो 8 hours, 9 hours डे हो, 5 days a week करना चाहिए. कुछ भी करो, कुछ भी सीखने को ही मिलेगा यार. प्लस पे रात में 10 PM पे ज्योमेट्री रनिंग है, और प्लस पे रात में सॉरी 10 PM ज्योमेट्री है, मॉर्निंग 10:30 AM पे अरिथमेटिक रनिंग है, और शाम में 5 बजे LRDI. जॉब नहीं मिलेगा मे बी, तो जॉब अगर नहीं मिला तो इंटर्नशिप कर लो, जॉब इज द बेस्ट थिंग. ठीक है, अगर वो नहीं मिला तो इंटर्नशिप कर लो. अरे ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता यार, तुम लोग ऐसा कैटेगरी, वो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता. ठीक है, 70+ ही है तुम्हारा, दैट्स फाइन. ठीक है ये छोड़ दो, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि 70 का अगर तुम्हारा 70 में हो जाए तो तुमको कॉलेज मिल जाएगा, तुमको कॉलेज मिलेगा 69 में. बेवकूफ थोड़ी होते हैं वो लोग 1% के लिए. ठीक, इट इज नॉट लाइक दैट, आराम से पढ़ो. कल पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है तो सॉल्यूशन है कोई? सोचने की मत सो, नींद आने लगती है तो, नींद आने लगती है तो उठ जाओ, आंख पे पानी लगा लो, उतना करोगे? सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ज्योमेट्री होने लगा यार 2 दिन में, आराम से भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों वाई शटिंग ज्योमेट्री, टाइम लेगा थोड़ा. सर 4 ईयर की वर्चुअल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट करनी चाहिए, 5-6 hours की वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, सर 1-2 करा. हाँ ठीक है, 2-3 कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं करना, 2-3 काफी है, 2-3 वैल्यू एड करेगा. ठीक है, एड वैल्यू. ठीक है, मोर ओवर थोड़ा सीवी भरा भरा होना चाहिए, तो सीवी जो आपका सीवी है ना, थोड़ा सीवी थोड़ा भरा भरा होना चाहिए सीवी भी. ठीक है चलो फिर, ठीक है, सी यू गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.